15 अगस्त को जब भारत आजादी की खुशियां मनाता है तो बांग्लादेश शोक दिवस मनाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लेकिन बात इस पर भी करेंगे कि शेख हसीना ने जब से अपना देश छोड़ा है उसके बाद पहला आधिकारिक बयान सामने उनका आया है, उसमें 15 अगस्त को लेकर कुछ बातें उन्होंने कही हैं। इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मैं हूं आपके साथ सैयद चौहान, आप देख रहे हैं स्विच। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हालिया बयान और उन्होंने 15 अगस्त को लेकर जो बयान दिया है उससे एक बार फिर बांग्लादेश में खलबली मच गई है। 5 अगस्त को सत्ता से हटाए जाने के बाद शेख हसीना ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है। उन्होंने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस या फिर कहें कला दिवस के रूप में उसे मनाने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को 1975 में उनके पिता और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना और उनके पिता मुजीबुर रहमान के हत्या से जुड़ी जो कहानी है वो आपको अगर देखनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो आपको आई बटन पर यहाँ पर मिल जाएगा। वापस हम वीडियो पर आते हैं तो हसीना का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय छुट्टी को रद्द कर दिया था। ये बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। इस निर्णय को मंगलवार को बांग्लादेश के यमुना में हुई एक सलाहकार परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी और इस फैसले से हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों की तरफ से आवाज़ें भी लगातार अब उठने लगी हैं। हसीना के बेटे सजीप वाजिद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और इसमें हसीना ने देश में हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जुलाई में अब तक की हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है, इसमें छात्र हैं, शिक्षक, पुलिसकर्मी, गर्भवती पुलिस महिलाएं शामिल हैं, पत्रकार हैं, सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं, अवामी लीग के कुछ नेता हैं और आम नागरिक भी इसमें शामिल हैं। हसीना ने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या को याद करते हुए बंगबंधु भवन पर हुए हमले का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जिस स्मृति पर हमने अपनी जिंदगी बनाई थी उसे राख कर दिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि बंगबंधु भवन जो शेख मुजीबुर रहमान का घर था उसे हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना ने देश को समर्पित कर दिया था। हसीना ने अपने बयान में बांग्लादेश के लोगों से 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से ढाका में इकट्ठा होकर बंगबंधु भवन पर प्रार्थनाएं करने के लिए कहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इस आह्वान से ढाका में एक और टकराव होने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि पहले ही तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हो पाया है, वहां पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस बीच अवामी लीग के कई नेता छुप गए हैं और हसीना के दो करीबी सहयोगी सलमान एफ रहमान और अनिसुल हक को ढाका में गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों पर न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज भी किया गया था और इसकी एक फोटो भी यहां पर सोशल मीडिया पर और कई न्यूज एजेंसीज के थ्रू सामने आ रही है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर मैनुल हसन ने बताया कि इन नेताओं को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इसके पीछे के असली जो वजह हैं उनका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, नहीं हो पाया है। शेख हसीना के इस आह्वान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में आने वाले दिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। शेख हसीना का ये कदम क्या देश में शांति स्थापित करेगा या फिर एक बार नए टकराव की शुरुआत भी करेगा, क्या ये होगा या नहीं होगा टकराव, यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन आप ये बताइएगा कि जिस तरीके से अब शेख हसीना वापस बांग्लादेश को लेकर कमेंट कर रही हैं उस पर आपका क्या कहना है। आप ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लगातार देखते रहें स्विच।